कहाँ से आ रहे हैं आप? सोनारपुरा से। कहाँ से? सोनारपुरा। सोनारपुरा से। अच्छा, योगी जी को जानते हैं आप, मुख्यमंत्री जो हैं? नहीं जाते ना। अच्छा, उधर नहीं जाते। जाते कहाँ आप? कहाँ जा रहे हैं आप? सोनारपुरा। अभी कहाँ जा रहे हैं इस समय? सोनारपुरा। सोनारपुरा से आ रहे हैं, सोनारपुरा जा रहे हैं। इधर जा रहे हैं ऊन लेते हैं। ऊन लेने। अच्छा बाबा जी, रुके एक सेकंड। क्या बोले? दर्शन ला नहीं। अच्छा जाइए जाइए जाइए। बाबा जी मालूम नहीं है कुछ लगता है। बाबा जी रुकिए, हम बताएंगे। इस वक्त मौजूद हैं हम बाबा विश्वनाथ के नगरी बनारस में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और अभी देखिए, चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, 2022 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में। देखिए क्या होने वाला है, क्योंकि सभी सियासी पार्टियां जो हैं वो बड़े बड़े वादे लेकर, लुभावने वादे लेकर उतर रही हैं चुनाव में। फरवरी से चुनाव है और रिजल्ट भी आएगा मार्च में, 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है। चलिए हम लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर मूड क्या है लोगों का, लोग चाहते क्या हैं 22 में, बदलाव या फिर से योगी जी? जी भाई साहब, अभी आप भूख रहे थे। जी भाई साहब, योगी जी के काम से आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। कैसा काम लगा इनको? इनका काम बहुत अच्छा लगा योगी जी का। कहाँ से हैं आप? हम बनारस से ही हैं। बनारस से ही हैं जी। बनारस से जो है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है और योगी जी तो प्रदेश में है ही हैं। जी जी। तो बनारस के लिए खास कर अगर हम बात करें, बनारस में तो एक अलग होना चाहिए पूरे प्रदेश से। हाँ नहीं, जो भी काम हो रहा है बनारस में वो अच्छा हो रहा है योगी और मोदी जी का। इतने जो मंदिर है, जो सब है, इतना सब देखे आज, गए बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और बहुत अच्छा लगा। और मंदिर में बहुत बहुत जगह हो गई है, बहुत स्पेस हो गया है मंदिर में, बहुत खूबसूरत नज़ारा था मंदिर का, बहुत खूबसूरत था। जी अंकल बोलिए, कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से हैं, वेस्ट बंगाल से आप यहाँ पे आए हैं बाबा जी का दर्शन करने के लिए। क्या बदलाव लग रहा है वेस्ट बंगाल से और उत्तर प्रदेश की अगर हम तुलना करें तो, क्या कुछ बदलाव लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में आने के बाद? वेस्ट बंगाल जैसा है, उत्तर प्रदेश जैसा है नहीं। यहाँ पे योगी जी की सरकार है, योगी जी दावे कर रहे हैं कि हमने काफी विकास किया है 5 सालों में, तो क्या लग रहा है आपको? किया है विकास योगी जी ने? किया है। अच्छा, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी हैं, कैसी सरकार? वो भी अपने तरीके से कर रही है। अपने तरीके से, वो अपने तरीके से कर रही है, कोई संतुष्ट है कोई नहीं है। जी भाई साहब बताइए, नाम बताइए अपना। अभिषेक पांडे। पांडे जी कहाँ से हैं आप? हम जौनपुर जिले से हैं। जौनपुर जिले से? हाँ यूपी। दर्शन करने आए थे आप यहाँ? हाँ, दर्शन बाबा जी के दर्शन करने। बहुत आनंद आया। हाँ एकदम। अभी 2022 में चुनाव है विधानसभा प्रदेश में। हाँ। कैसा लगा योगी जी का काम? भाजपा बहुत अच्छा, बहुत काम किया भाजपा, बहुत काम किया है। हाँ बहुत अच्छा लगा, भाजपा ही आएगी। जी भाई साहब, नाम बताइए अपना। समीक्षा सिंह जी, क्या इन 5 सालों में योगी जी ने महिलाओं के लिए क्या किया? योगी जी ने बहुत कुछ किया है, जैसे कि महिलाओं के लिए अभी उन्होंने इतना, इधर भीड़ भाड़ नहीं रहता तो इतना क्या कर दिया कि ज़्यादा ये लुच्छे जैसे लोग नहीं घूमते, तो हम लोग भी फ्रीली घूम सकते हैं और बहुत सारे। और हाँ, महिला प्रोटेक्शन की बात करें तो हम क्या, महिलाएं पहले से सुरक्षित हैं अब? सुरक्षित पिछली सरकार से अगर हम तुलना करें, पिछली सरकार की तुलना ही नहीं है योगी जी से, क्योंकि योगी जी के काम बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है कि हम लोग कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। और पिछली सरकार में यही था कि हुड़दंग बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अभी एज अ कम्पेयर करें तो नहीं है। क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? LLB फर्स्ट ईयर। LLB कर रही हैं आप। बताइए योगी जी का काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? हम तो लंका से। लंका से? कौन सा लंका, श्रीलंका या यहीं का बनारस का? लंका है। बनारस का? हाँ। लंका। अच्छा, तो फिर से योगी जी को चाहती है, फिर से आई योगी जी की सरकार? हाँ, योगी जी आना चाहिए। योगी जी आना चाहिए। अच्छा चाचा जी बताइए, योगी जी आए फिर से? मैं क्या बताओ। नहीं नहीं बताइए, क्यों वोट नहीं करती आप? करती हूँ। फिर फिलहाल हमारे हिसाब से तो मोदी जी को ही आना चाहिए। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में हैं। हाँ। हम योगी जी की बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है 2022 में। योगी जी से तो हम अनकंफर्टेबल है भैया। अच्छा। हाँ, तो नहीं है सही है, उनसे सहमत। आगे आप लोग की मर्जी। जी नाम बताइए अपना। मैं निशा। निशा जी, क्या क्या काम खराब लगा उनका, क्यों आप ऐसा महसूस कर रही हैं?
लेडीज सेफ नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है, आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं। अब इसके लेस से आगे तो आप लोग भी जानकार हैं। योगी जी तो दावे कर रहे हैं कि नहीं पहले से सुरक्षित है महिलाएं। कहाँ सुरक्षित हैं, छोटे छोटे बच्चे असुरक्षित हैं, बड़ों की तो बातें ही छोड़ दीजिए। खैर अभी मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। ओके 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 आइए। इस वक्त देखिए हम मौजूद हैं बाबा विश्वनाथ के नगरी में और यहाँ पे देखिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु जो आए हैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। और आगे 2022 में प्रदेश में चुनाव है, हम लोगों से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोग चाहते क्या हैं। जी बताइए, नाम बताइए अपना। मीना गुप्ता जी। तो क्या कैसा लगा योगी जी का काम? अच्छा काम लगा। अच्छा लगा हाँ। तो फिर से योगी जी आएंगे या बदलाव? आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा, जब योगी जी आएंगे तभी तो बदलाव होता है। प्रियंका गांधी के बारे में क्या सोचती है? प्रियंका गांधी कह रही हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 8 लाख रोजगार देंगे। वो सिर्फ बकवास है एक तरह से। कोई कहता नहीं है ना कोई करता है। अब भाई हम लोग जिसको वोट दे दिए वो करे तब न जाने। सोनिया गांधी को हम लोग इसलिए जिताए थे, वो क्या कुछ कर पाई? कुछ नहीं कर पाई इसीलिए। अखिलेश के बारे में क्या सोचती है? अखिलेश के बारे में तो सब लोग जानता है, हम क्या बताएं, सभी लोग जान रहे हैं, हम तो नहीं जान रहे हैं। सब कोई एक एक बच्चा जानता है उनके बारे में। मेरा नाम है सुब्रतो राय। ठीक जी बताइए। दुकान लगाता हूँ। ठीक है, आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? पूछना हम यही चाहते हैं कि योगी जी की सरकार चल रही है, 5 साल होने को है तकरीबन, 5 साल होने के आगे फिर से 22 में चुनाव है विधानसभा, फिर इनका काम कैसा लगा? विकास किए योगी जी? विकास तो बहुत अच्छा किए हैं। अगले साल लॉकडाउन ने बहुत भैरंग मारे, उससे लिए हम लोग भिखारी बन गए। इसका भी लॉकडाउन लगेगा फिर और भिखारी बन जाएंगे। लॉकडाउन लगेगा किसे बचाने के लिए? देश की पब्लिक को बचाने के लिए लॉकडाउन लग रहा है। उनके पास वो ताकत है, अमेरिका बनते हैं इन लोग, बोलते हैं हम अमेरिका वाला पावर बनते हैं। आपको पता कि पूरा वर्ल्ड परेशान है इस महामारी से, ना कि हमारा भारत। सुनिए, आपको 1 लीटर तेल 5 किलो आटा देने का घर चलता है? और क्या चाहते हैं हम सरकार? 5 किलो राशन में नहीं चल रहा, और हमको उसे लॉकडाउन खत्म कर दे। जिसको जीने का रहेगा जिएगा, जिसको मरने का रहेगा मरेगा। आप बताओ, अगर आप ठीक है, आपने कहा कि जिसको जीना है मरना है, आप अपने घर के मुखिया, आप कह रहे हैं कि हमारा परिवार कैसे चलेगा? करो ना कुछ। नहीं, बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो भी अपने देश के बारे में सोचते हैं, उनका ये परिवार है। अगर अपने परिवार के बारे अगर परिवार सुनिए, परिवार सोचते हैं ना तो लोग जो मर रहे थे ना तो वो आते हैं। इंसान को हार्ट अटैक नहीं होता, दमे की बीमारी नहीं होता। अगर हर हॉस्पिटल को आप कोविड बना देंगे तो इंसान मरेगा नहीं, तो क्या होगा? अभी आप लोग देख रहे थे हम बाबा विश्वनाथ के नगरी में थे, यहाँ पे हमने लोगों से चुनावी परिचर्चा की, विकास के मुद्दों पर बात किया। तो आप लोगों ने देखा कि विश्वनाथ नगरी के लोग क्या चाहते हैं आगे 22 में। दोस्तों हमारा वीडियो देखकर कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।